अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एग मलाई मसाला, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा सभी को, दैट्स फॉर श्योर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें कांदा ले लेना है। मैंने यहाँ पर दो प्याज को कट करके ली हूँ। हरी मिर्च ले लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और काजू या बादाम आप दोनों भी में से कोई भी ले सकते हैं, और खसखस ले लेना है। ज़ीरा ले लीजिए। अब ये सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है। बस इसी का मसाला बनता है, तो आप क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं जितना आपको ग्रेवी पसंद हो। परफेक्टली ब्लेंड होने के बाद आपको ज़रूर चेक करना है कि इसमें कोई भी पार्ट्स ना हो, दरदरापन ना हो। ऑयल ऐड कर दीजिए कंटेनर में, और जो हमने मसाले ब्लेंड किए थे उसे ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा ऐड करके मिक्सिंग जार में उसे भी मिला दीजिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिए। धनिया पाउडर ऐड कर देना है 2 टीस्पून के करीब। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। मैंने इसे ड्राई रोस्ट नहीं की हूँ, ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हमें दही ऐड कर देना है 1/2 कप के करीब। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ढक दीजिए। ढकने के बाद 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे छोड़ देना है, यानी भूनने के लिए रेडी कर लीजिए। तब तक अंडे उबाल लीजिए, और इस तरीके से फोक की हेल्प से पिंच कर देना है हमें इसे। ऑयल ऐड करके इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर 25 मिनट बाद आप लोग देख सकते हो इसका टेक्सचर, और पानी भी पूरा ड्राई हो चुका है। ये देखिए, ये स्टिक होने भी लगा है मिक्सचर। तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको ग्रेवी पसंद हो उतना। इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, पर ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। थोड़ी देर बाद जब बॉइलिंग आना शुरू हो जाए, यानी जब उबलने लगे, उसके बाद हमें जो फ्राई करके अंडे रखे थे उसे ऐड कर देंगे, और हरी धनिया ऐड कर देना है। हरी धनिया की जो क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा रखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। ये देखिए, अब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक देना है, और 2 मिनट के लिए शिमर होने के लिए शिमर होने तक पका लीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत ग्रेवी में फ्लेवर हो वो अंडे में भी आ जाए। अब हमें इसे सर्व कर देना है। होप कि आपको ये इजी सी रेसिपी पसंद हो, और आपको इसी तरीके की इजी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। ज़रूर विज़िट करिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।